हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं वो यूरोप महाद्वीप के सबसे पुराने देश है। एक ऐसा देश जहां पर औरतों की संख्या कहीं ज्यादा है पुरुषों के मुकाबले। इसी देश में ओलंपिक्स खेल की शुरुआत हुई थी। इस देश को दुनिया का सबसे सनीएस्ट प्लेस माना जाता है और इसके नाम पर बन चुकी है हॉलीवुड में कई सारी फिल्में। यहाँ के लोग दुनिया के सबसे फिटेस्ट पर्सनैलिटी माने जाते हैं, साथ ही यहाँ के लड़के सबसे हैंडसम माने जाते हैं। और इस देश में है दुनिया का सबसे ज्यादा एयरपोर्ट। देश की 80% जमीन पहाड़ों से घिरी हुई है। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कुदरत की एक अनोखी देश ग्रीस की। तो फिर देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं ग्रीस की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले बता दूं कि इस देश का ऑफिशियली नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, जो कि साउदर्न यूरोप में स्थित है। देश की कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 1 करोड़। ग्रीस के लोगों की बात करें तो 85% जनसंख्या शहर में रहती है, तो वहीं 15% लोग गांव में रहते हैं। वहीं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहां पर 81 लोग आपको पर स्क्वायर किलोमीटर में दिखते हैं। यहां का 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है और ये देश लगभग अपने आप में 7000 साल का इतिहास समेटे हुए हैं। आपने एथेंस और स्पार्टा का नाम तो सुना ही होगा। एथेंस 4000 सालों से ग्रीस की राजधानी रही और आज भी है। ग्रीस देश का इतिहास बहुत पुराना रहा है। दुनिया में डेमोक्रेसी की शुरुआत भी इसी देश में ही हुई। कहते हैं कि इस देश में कई ऐसी ऐसी चीजें हुई जिससे पूरी दुनिया को सीख लेने की जरूरत है। ग्रीस की भाषा ग्रीक यूरोप की सबसे पुरानी भाषा है और इस भाषा को सीखना बाहरी लोगों के लिए इतना आसान नहीं होता। आपको बता दें कि ये कम से कम 3500 साल पुरानी भाषा है। पूरी दुनिया में कुल 12 मिलियन यानी कि 1,20,00,000 लोग ग्रीक भाषा बोलते हैं। इसमें से ज्यादातर ग्रीस के अलावा अल्बानियाई, मैसोडिनियाई, बल्गेरियाई, आर्मेनियाई और जिप्सिस के निवासी हैं। दोस्तों ग्रीस देश में आपको एक भी नदी नहीं मिलेगी। जी हाँ, यहाँ पर समंदर का किनारा है लेकिन कोई भी नदी नहीं है। इसका कारण है यहाँ का पहाड़ी इलाका। जैसे कि हमने आपको बताया कि बेशक इस देश में कोई नदी नहीं है लेकिन ग्रीस की कोस्टल लाइन 9000 माइल्स तक फैली हुई है। साथ ही देश की कुल जमीन में 80% हिस्सा यहाँ के पहाड़ों का है। इसीलिए इस देश में आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऊंची ऊंची चट्टाने ही नजर आएंगे। ग्रीस देश के कुछ नियम बहुत ही कड़े हैं साहब। अगर कोई 18 साल का इंसान है तो उसे वोट करने का अधिकार मिल जाता है, लेकिन अगर आपके पास वोटिंग राइट्स होने के बाद भी वोट नहीं देते हैं तो यहाँ की सरकार आपके खिलाफ कार्यवाही कर देती है। अगर आपकी तबीयत खराब है या कोई और परेशानी है तो आप बच सकते हैं, लेकिन अगर वोटिंग के दिन आप छुट्टी मारकर कहीं घूमने निकल गए तो आपकी खैर नहीं जनाब। दोस्तों एक समय था जब ग्रीस के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन आज यहाँ की हालत खराब है। ग्रीस में बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। आज के दिन में यहाँ पर 30% बेरोजगार है। आपको ये भी बता दूं कि इस देश में करप्शन एक बहुत बड़ी बीमारी है। यहाँ की सरकार ने इसे रोकने के लिए बहुत सारे कदम उठा लिए हैं, लेकिन आज तक इसे जड़ से खत्म नहीं कर पाई। हालांकि कोशिश की जा रही है, लेकिन कई बार सरकार के ही बड़े ऑफिसर्स ये गुनाह करते हुए पकड़े जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार साल 2016 में तकरीबन 30 बिलियन पाउंड का करप्शन किया गया था। दोस्तों दुनिया के सबसे हैंडसम पुरुष और खूबसूरत औरतें आपको ग्रीस देश में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर मर्दों को द ग्रीक गॉड के नाम से जाना जाता है। वहीं बात की जाए यहाँ के लड़कियों की तो वो भी बहुत ही खूबसूरत होती हैं और लंबी होती हैं। साथ ही यहाँ के लोग काफी फिटनेस फ्रीक भी माने जाते हैं। देखा जाए तो दुनिया का सबसे हेल्दी देश है ग्रीस। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं और लोगों की औसतन आयु होती है 82 इयर्स। ग्रीस देश में फिटनेस के बाद हमेशा से ही खेल को लेकर लोगों के बीच बहुत उत्साह रहा है। देश का नेशनल गेम है फुटबॉल, और अगर आप भी फुटबॉल के फैन हैं तो आपको याद होगा कि 2004 में सबको चौंकाते हुए ग्रीस यूरोप की चैंपियन टीम बनी थी। यहाँ के लोग खेल कूद में सबसे तेज है। ये इसी बात से साबित होता है कि ग्रीस में ही पहली बार ओलंपिक गेम्स खेला गया, जिसकी शुरुआत 776 बीसी में हुई थी। यहाँ तक कि पहला ओलंपिक चैंपियन भी ग्रीस देश से ही था, जिसका नाम था कॉरिबस, और इन्होंने ओलंपिक खेल के लिए स्प्रिंट प्रतियोगिता में जीत हासिल की थी। ग्रीस देश में मार्बल्स का प्रोडक्शन बड़े तादाद में किया जाता है। इस देश में दुनिया का 7% मार्बल का उत्पादन किया जाता है और ये दुनिया के सबसे बड़े मार्बल एक्सपोर्टर भी है। यहाँ के लोगों में वैसे मार्बल से जुड़ी हुई
प्यार साफ तौर पर देखी जा सकती है। आपको यहाँ की हर एक बिल्डिंग में खूबसूरत खूबसूरत मार्बल्स देखने को मिलेंगी। साथ ही जैतून का तेल यानी कि ऑलिव ऑयल के उत्पादन में भी ग्रीस दुनिया भर में तीसरे नंबर पर है। ग्रीस में हर मर्द के लिए मिलिट्री सर्विस अनिवार्य है। जैसे ही किसी बच्चे की उम्र 18 साल की हो जाती है, यहाँ 6 से 9 महीने की मिलिट्री सर्विस करनी ही होगी। यहाँ पर इस नियम को लेकर बहुत ही सख्त कानून है। चाहे कोई कितना बड़ा ही क्यों ना हो, उसे ये 6 से 9 महीने की ट्रेनिंग करनी ही पड़ती है। भले ही ग्रीस देश में 96% लोग पढ़े लिखे हो, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश के ज्यादातर लोग अभी भी अंधविश्वासी हैं। यहाँ के लोगों का मानना है कि राह चलते हुए अगर कोई इंसान का टोपी उसके सिर से नीचे गिर जाता है तो उसके साथ कुछ बुरा हो सकता है। बढ़िया होगा कि इस देश में टोपी ना ही लगाओ। और अगर आप अपने साथ कोई भी ऑर्नामेंट्स पहनते हैं तो उसमें आंखों के निशान जरूर होने चाहिए। इसके पीछे कारण है कि ये आंखें आपको बुरी नजर से बचाती हैं। इतना ही नहीं, प्राचीन ग्रीस के लोग कभी भी बीन्स नहीं खाते थे। उनका मानना होता था कि बीन्स में मरे हुए लोगों की आत्मा होती है और इसे खाने से वो भी बीमार हो जाएंगे। ग्रीस देश में आपको सबसे ज्यादा एयरपोर्ट्स मिलेंगे, जिसमें से 15 तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं। दरअसल यहाँ खूब सारे एयरपोर्ट इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि इस देश में हर साल लोग जो घूमने फिरने आते हैं उनको किसी भी शहर से कहीं और जाने में कोई परेशानी ना हो और उन्हें किसी भी तरह से कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत ना हो। इसलिए ग्रीस देश के लोग और यहाँ की लड़कियाँ सबसे ज्यादा रोमांटिक होते हैं। यहाँ के लोगों को बस रोमांस करने का मौका आना चाहिए होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ग्रीस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अगर किसी लड़के या लड़की को अपने प्यार का इजहार करना होता है तो वो आई लव यू नहीं बोलते। यहाँ प्यार का इजहार एक दूसरे को सेब देकर यानी कि एप्पल देकर किया जाता है। याद रखिएगा दोस्तों, ग्रीस की लड़की आपको पसंद आए तो उसे आई लव यू कहने के बजाय आप उसे सेब दे देना, वो समझ जाएगी। ग्रीस देश का नेशनल ड्रिंक है ओजू, जिसे यहाँ हर जश्न पर पिया जाता है। लेकिन इसे पीते वक्त आप चीयर्स नहीं कह सकते, उसके बजाय कहना होता है स्टीन इगिया मास, या कह सकते हैं गिया मास। तो दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं खूबसूरती से भरपूर देश ग्रीस में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर कि आप छुट्टी मनाने के लिए जा सकते हैं और साथ ही आपका कितना खर्च आएगा और क्या है वीजा प्रोसेस। आप बस बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एकदम अंत तक। नंबर 1 इज आक्रोपोलिस एथेंस। दोस्तों ये बात तो सब जानते हैं कि ग्रीस देश का इतिहास बहुत ही पुराना है। दुनिया में कुछ गिने चुने शहर हैं जिन्हें इंटरनल सिटी यानी सनातन शहर कहा जाता है। एथेंस भी उन शहरों में से एक है, लेकिन आज हम आपको दिखाते हैं वो जगह जहां से कहते हैं कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। ये है आक्रोपोलिस पहाड़, जो कि है बीच एथेंस शहर में। एक्रोपोलिस को दुनिया के सबसे प्रसिद्ध प्राचीन पुरातात्विक स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ आपको देखने को मिलेंगे 3-3 खूबसूरत मंदिर जो कि 5th century BC में बनाए गए थे। एक्रोपोलिस सदियों से देवताओं को पौराणिक घर, राजाओं का घर, धार्मिक केंद्र और साथ ही एक पर्यटक आकर्षण है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट इज संतोरिनी। दोस्तों ये है ग्रीस की सबसे फेमस लोकेशंस में से एक। सेंटोरिनी ग्रीस का सबसे प्रसिद्ध द्वीप है। ये अपनी लुभावनी सुंदरता और पारंपरिक संतोरिनी गांव के लिए दुनिया भर में जाना जाता है और साथ ही अपना सफेद और क्यूबिक शेप की इमारतों के लिए सैलानियों में काफी फेमस है। यहाँ के गांव ज्यादातर विशाल चट्टानों के किनारे पर बने हैं जो समुद्र के अद्भुत दृश्य पेश करते हैं, जो नीले लहजे, खड़ी चट्टानों और कीनू सूर्यास्त से सजी है, जो आकाश और समुद्र को रोशन करती है। ये ग्रीस के प्रमुख टूरिस्ट डेस्टिनेशंस में से एक है। नेक्स्ट इज मेटियोरो मोनेस्ट्रिस। अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसा घर जिसे देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि बहुत ही कम ही लोग यहाँ पर पहुँच पाए हैं। इस घर का नाम है मेटियोरा मोनेस्ट्रिस। जरा इन सब घर को आप देखिए, बेहद शानदार यहाँ का नजारा है। इस चोटी पर पहुँचना बहुत ही मुश्किल है, कुछ गिने चुने लोग ही यहाँ पहुँच पाते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ 50 नॉन और 17 मोनक्स रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दूं कि ये जो आप घर देख रहे हैं वो घर 14th century में ही बनाया गया था। तो दोस्तों जब भी आपको इस देश में जाने का मौका मिले आप जरूर जाएं और इस खूबसूरत जगह को जरूर देखें। नेक्स्ट इज कॉर्फू।
कॉर्फू को ग्रीस के पन्ना द्वीप के रूप में जाना जाता है क्योंकि कॉर्फू ग्रीस के सबसे हरे द्वीपों में से एक है। कॉर्फू द्वीप पर 2 मिलियन से अधिक जैतून के पेड़ हैं जो इसकी रसीलापन के लिए सभी को खाने की मेज की ओर खींचते हैं। साथ ही कॉर्फू अपने पुराने किले के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। अगर आप ग्रीस जाए तो यहाँ पर स्थित रॉयल पैलेस की यात्रा एक बार जरूर करें। इसके अलावा एशियाई कला संग्रहालय है जो जापानी, भारतीय और चीनी सभ्यता को दर्शाने वाले चित्रों का सबसे अच्छा संग्रह है। ये भी यहाँ आने वाले सैलानियों के ध्यान को खींचता है। साथ ही अगर आपको पहाड़ों पर चढ़ना या पहाड़ों पर बाइक चलाने का शौक है तो कॉर्फू आपको दिल से स्वागत करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और ग्रीस घूमने के लिए आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। बता दें कि आपके पास अगर सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आपको वीजा 10 से 15 दिन के अंदर मिल जाएगा, और अगर आप अकेले हैं तो आपको ग्रीस घूमने के लिए 6 से 8 दिन में लगभग 75,000 रुपए खर्च करने होंगे। दोस्तों, ग्रीस की करेंसी है यूरो, जिसकी वैल्यू है लगभग 88 भारतीय रुपए के बराबर। सो फ्रेंड्स, ये था खूबसूरत देश ग्रीस। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया।